हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर व्हाट्सएप चैट बटन को कैसे यूज करना है, तो जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अगर आप अपनी वेबसाइट में कुछ इस तरह का बटन लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने और कहीं पर भी नहीं जाना, आपने चले जाना है सिर्फ और सिर्फ प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे जाने के बाद आपने करना है यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल चैट, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लिखना है, सिंपल चैट। ठीक है, सिंपल चैट लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ये सिंपल चैट का बटन आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल नाउ। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपना फ़ोन का आइकॉन कैसे लगा सकते हैं, जो कि आपको उसकी वीडियो यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या उसका मैं आपको लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो किस तरह लगा सकते हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये हमने कैसे लगाना है, इसको आपने सिंपल चैट बटन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको कर लेना है एक्टिवेट। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, होने के बाद आपने ये आ गया है सिंपल चैट बटन, इसकी आपने चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने दे देना है अपना नंबर, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ ये नंबर। ये नंबर देने के बाद आपने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख देना है। ठीक है, ऑप्शनल टेक्स्ट है, जो कि जब आप टेक्स्ट पे जाएंगे तो वो उस बंदे को ये टेक्स्ट सेंड कर देगा। यहाँ पर हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम चले जाते हैं अपने बटन की सेटिंग में। बटन की सेटिंग में क्या चीज़ बता रहा है कि आपने इसको कर देना है इनेबल। जब बटन के साथ जो टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नजर आएगा, आपने ये क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाने के बाद व्हाट्सएप API पे चला जाएगा, व्हाट्सएप वेब पे जाना है या डेस्कटॉप पे जाना है तो हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देते हैं। ओपन न्यू टैब, तो वो न्यू टैब में आपकी चीज़ ओपन हो जाएगी। उसकी पोजीशन आपने कहाँ रखनी है, उसका इंडेक्स कहाँ पर होगा, उसका मार्जिन टैबलेट पे, मोबाइल पे, किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ होगा, तो हम मोबाइल पे कुछ पिक्सल को हम ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कर देते हैं ये 40 कर देते हैं। ठीक है, टैबलेट पे भी हम इसको क्या कर देते हैं 40, क्योंकि मोबाइल पे फिर छोटा छोटा नजर आएगा तो यहाँ पर हमें बड़ा नजर आएगा, हम उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे करने के बाद आपने यहाँ पर क्या कर देना है, सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करने के बाद जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपने PC वाली वेबसाइट पे कैसे नजर आएगा, ये देखें, ये नजर आएगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे एक न्यू टैब पे हमारे पास व्हाट्सएप ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, तो आप मोबाइल में कैसे खोलेंगे, मोबाइल में आपको कैसे खुलेगी वो देखें, ये ऐसे खुलेगी। ठीक है, वो मोबाइल पर कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद हमने इसको अपनी वेबसाइट को क्या कर देना है, रिफ्रेश। जब हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर ये आपको बटन दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से ये आपको बटन दिखेगा। जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर ले जाएगा। वो कह रहा है कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, इनवैलिड। तो आप अपने फ़ोन पे भी इस तरह इसको शो करवा सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए, हम नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करना जा रहे हैं जो कि है SEO का कोर्स। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।